हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू वर्ल्ड ज्ञान। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि MI नोट 4 में कैसे फिंगरप्रिंट के द्वारा हम पेमेंट कर सकते हैं। और बाकी आप दूसरे मोबाइल यूज़ करते हैं तो अपडेट करने के बाद देखिए आपका ये पेमेंट का मीन्स फिंगरप्रिंट पेमेंट का ऑप्शन आता है तो ठीक है, नहीं तो शायद आपका मोबाइल में नहीं होगा। तो MI नोट 4 यूज़ कर रहे हैं तो इसमें होगा, जस्ट आप अपडेट कर लीजिए। सपोज अपडेट आया है तो मोबाइल में, इससे पहले आप देखिए आपका मोबाइल कनेक्शन ऑन है या नहीं। ऑन करने के बाद आप अपना मोबाइल में का सेटिंग में जाइए। इसके बाद आप यहाँ पे आइकन देख सकते हैं, लिखा है कि लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड। इसको क्लिक करने के बाद आप एंड फिंगरप्रिंट दीजिए। आपका सपोज फिंगरप्रिंट पासवर्ड नहीं है तो आपको वहाँ मैनेज करना पड़ेगा, मतलब पासवर्ड देना पड़ेगा। जैसे कि मेरा मोबाइल में भी नहीं था, मैं पासवर्ड सेटिंग कर रहा हूँ। जैसे कि आपका कोई भी उंगली आप स्कैनर में प्रेस कर सकते हैं, डिफरेंट एंगल में, डिफरेंट जगह पे, मतलब टिप्स का फिंगर का। तो ऐसे ही आप फिंगरप्रिंट दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एडेड सक्सेसफुली हो गया, और फिंगरप्रिंट का नाम भी आप दे सकते हैं, पर मैं यहाँ देना नहीं चाहता हूँ। सो आप इसके बाद डन कर सकते हैं। इसका करने के बाद आप लास्ट वाला आइकन को है जहाँ लिखा है फिंगरप्रिंट पेमेंट्स, यहाँ पे क्लिक कीजिए। इसके बाद IFAA दिया है, वहीं पे क्लिक कीजिए। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ तीन आइकन है, पेमेंट स्टेटस, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट अपडेट। यहाँ पे पेमेंट स्टेटस मेरा अवेलेबल है, सर्टिफिकेट नंबर भी कुछ है, और डेट है। अब जब अपडेट करेंगे तभी का डेट। सो ये मैं अपडेट कर चुका हूँ, इसे मेरा डाटा है। आपका सपोज नहीं हुआ है तो सर्टिफिकेट जो लिखा है वहीं पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये कुछ सेकंड लेते हैं अपडेट करने के लिए। इसके बाद आपका अपडेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ अपडेट हो गया है, मीन्स आप अभी के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि MI ने इसको तीन एप्लीकेशन में ही दिया है पेमेंट करने के लिए, जैसे कि MI अली, वीचैट एंड MI पे बोल के तीन ऐप है, वहीं पर आप कर सकते हैं पेमेंट। इसके अलावा आप और किसी ऐप में नहीं कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो में। सो थैंक यू ऑल।